देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। मनीष जी, ये यहाँ पे जो कल इशू एक सामने आया है कि सीएम द्वारा दिया गया, सीएम का नाम लिखा हुआ तख्ती और रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, तो कम से कम इस चीज़ को तो संभालना चाहिए। और एक सीएम का नाम लिखा हुआ तख्ती नगर पालिका के अंदर में रोड पे दिखे, ये उचित है क्या? एक सबसे पहली बात तो बता दूं कि जैसे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हमको कष्ट नहीं हो रहा ऐसा नहीं है, हमको भी तकलीफ है, हमको अच्छा थोड़ी लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन इसमें हमने अभी तक जो हमको पता चला है उसमें ऐसा है कि वो चीज़ है, जैसे वो तख्ती हमारे यहाँ जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है WTP वार्ड नंबर 7 में, वहाँ की चीज़ है जी। वो यहाँ आई कैसे, सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा आई तो चलिए एक बार। अच्छा, उसमें भी ऐसा है कि वो दो तख्तियाँ थी, जिसमें से एक स्पेयर में है और एक लगी हुई थी। जिस टाइम 2020 की बात है, उस समय पे जब खात मुहूर्त हुआ था, तब एक स्पेयर में रखी हुई थी। अच्छा, WTP की चीज़ एक तो यहाँ पे आ जाना, दूसरा अब आप यहीं पर हैं, आप थोड़ा सा नज़र मारिएगा, ये एक छोटा सा रास्ता है जहाँ वो पीछे STP बनाया जा रहा है, वहाँ लोग अलग तरीके से, मतलब वहाँ कुछ लोग हैं, वहाँ वो लोग काम करते हैं। यहीं बगल में डंपिंग साइट पर कुछ काम चालू है, यहाँ पर वो जो शवयान दिख रहा है वो है, JCB खड़ी रहती है, ये सफाई कामदार जो रहते हैं उनकी गाड़ियां पड़ी रहती हैं। समझ में मुझे ये नहीं रहा है, जहां जिस तरीके से कल वहां पे बताया गया था कि वहां पे तख्ती पड़ी है, डेली आना जाना है, या तो किसी गाड़ी के टायर के नीचे आना चाहिए, या नहीं भी आया, मैं कह रहा हूं कि जो लोग रोज़ आना जाना कर रहे हैं उनको नहीं मिला, और एक पत्रकार पता नहीं कहां से आया जिसको यहां पे घुसने के लिए परमिशन लेना उसका अनिवार्य है, परमिशन लेना, बिना परमिशन के वो यहां आ जाता है और एक स्पेसिफिक फ़ोटो लेके वो चला जाता है। इसका मतलब हमको ऐसा लगता है कि वो एक जांच का विषय है। मैं ये नहीं कह सकता, किसी को टारगेट करने की बात नहीं है, लेकिन एक हम लोग ने एक प्राथमिक जाँच ऑलरेडी शुरू कर दी है और हमको ये क्लियर दिख रहा है। जो भी होगा इसमें, जिसको जो सज़ा देनी होगी वो हम दिलवा के रहेंगे, ये पक्का है। हर एक वार्ड में 100-100 झाड़ का जो चल रहा था, और उसमें भी देखा जा रहा है कि जहाँ भी वार्ड नंबर 7 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो ट्री लगाए गए हैं झाड़, उसकी व्यवस्था समुचित नहीं है। अब इसमें वो भी आधी खबर है, मतलब आधी भी क्या है कि वो खबर नहीं है, मैं बता रहा हूँ उसमें क्या है। अब जल्दबाजी में कोई उस न्यूज़ को ज़बरदस्ती सेंसेशनलाइज कर दे, सनसनीखेज बना दे, तो वो एक, अब मेरे हिसाब से वो सब करना नहीं चाहिए, पूरी जांच कर लेनी चाहिए, उसके बाद किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगाना चाहिए। इसमें है ऐसा कि वो जो पर्टिकुलर काम है, अभी वो काम शुरू ही नहीं हुआ है। एक एजेंसी को एक काम दिया गया था और उसको स्पेसिफिकली बोला गया था कि भाई दिवाली आने वाली है, दिवाली से 15 दिन पहले आप अमुक सैंपल्स लगा दो, जैसे 700 पेड़ लगाने हैं तो 700 में से 25-50 पेड़ आप यहाँ वहाँ लगा दो। उसको आप कैसे ग्रो करते हो, कैसे उसका देख रेख रखते हो, वो हमको देखना है। आपके पास एक महीना है, 15 नवंबर के बाद से हमारा ये प्लान है, अभी वो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये प्लान है 15 नवंबर के बाद से ये काम हमको शुरू करना है। तो अभी तो उसको जस्ट सैम्पलिंग करने को कहा गया था, अभी उसमें दूसरी बात, अभी तो सैम्पलिंग की बात एक और है, दूसरी बात ये है कि उसमें ये काम एजेंसी को जो दिया गया है वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है, उसी को झाड़ की देखरेख करनी है, चाहे उसकी केज की बात हो, उसको पानी देने की बात हो, झाड़ को बड़ा करना उसका काम है 3 साल तक। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, 1 रुपये का पेमेंट हुआ नहीं है। कोई कैसे ये बोल सकता है कि ये सरकारी पैसे रुपये हुआ? झाड़ को जो कवर किया गया सब, तो वो देख रहा हूँ मैं कि गिरा हुआ, मैं इधर उधर हुआ है, तीतर बीतर हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये इसीलिए तो उसको सैंपलिंग के लिए दिया गया था, हमने एजेंसी को सैंपलिंग के लिए इसीलिए दिया कि एक अंदाज हम, मैंने तो एजेंसी को उसमें कम से कम 10% झाड़ तुम लोगों से नहीं संभाल पाएंगे, कि डर के वजह से हमने उस पहले तो एक महीना 25-50 पेड़ लगा के हमको दिखा, उसके जब काम शुरू करेंगे तो फ्लो में शुरू करेंगे। ये काम एक्चुअली शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो इसका खात्मा हमारे भी ठीक है, ज़्यादा अभी फिलहाल बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जब भी मुहूर्त होने के बाद इसका काम शुरू होगा। आगे से जिसको भी कोड़िया जाए, कम से कम उसको ये व्यवस्थित बता दिया जाए कि झाड़ लगाना ही इशू नहीं है, झाड़ को पालना भी इशू है। सर मैं बता रहा हूँ आपको, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसको,